हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट बाय क्रायोस्कोपिक मेथड। तो क्रायोस्कोपिक मेथड से हम डिटरमिनेशन करेंगे मॉलिकुलर वेट की। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे कि रॉड्स लॉ और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको इन दोनों टर्म्स का पता है अच्छे से, तब आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। जहाँ पर मैंने क्रायोस्कोपिक एपरेटस बताया है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता, तो इनको ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा उस मेथड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रॉल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रॉल्ट इन 1886 एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो रॉल्ट ने क्या की थी, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी किसके बीच में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। द रिलेशनशिप इज नोन एज रॉल्ट्स लॉ। इस रिलेशनशिप को क्या कहा गया, रॉल्ट्स लॉ कहा गया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तब यहाँ पर मैंने आपको प्योर सॉल्वेंट बताया है, जो कि क्या है, वॉलेटाइल है। और यहाँ पर सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन कहो आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या की है, एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल मतलब कि ये वेपराइजेशन को शो नहीं करेगा, वॉलेटाइल मतलब कि ये वेपराइजेशन को शो करेगा। तो अगर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना होगा, तब आप आसानी से बता सकते हैं इन दोनों के वेपर प्रेशर को माइनस करके, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और आफ्टर एडिंग दी सॉल्यूट पार्टिकल इन दी प्योर सॉल्वेंट, तब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम डिनोट कर देंगे पी नॉट से, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम नोट कर देंगे पी एस से, पी कैपिटल एस स्मॉल। तो पी नॉट माइनस पी एस से आपके पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, वो इस तरह से बताया गया है, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट अगर आप लगा देते हो, तो इससे आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का पता चल जाएगा, टोटल कितना वेपर प्रेशर लो हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड भी कर देते हो विद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन के साथ में उन्होंने रिलेशनशिप दी, उन्होंने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ये जो रिलेटिव लोअरिंग का आपको पता चल रहा है इन वेपर प्रेशर कि कितनी लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर में, वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालने की वजह से ही उसमें क्या आई है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग आई है, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है हमारा। तो इसी वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा, उतनी ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर जो है कम होगा, उतनी ही ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी। ठीक है, तो इफ एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन एन मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, अगर आपके पास एन मोल्स, स्मॉल एन से हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स को बताया है, क्योंकि कम मात्रा में हम डालते हैं, सॉल्वेंट जो है ज़्यादा रहता है आपके पास। ठीक है, तो सॉल्यूट को आप एन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या है आपके पास, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द रेशियो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता रहा है। हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि आपके पास वोलेटाइल
यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, तो इसके इसको आपने कवर किया हुआ है लिड से। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे ही इसमें इवेपोरेशन होती है, ठीक है, तो इसके जो वेपर्स हैं, वेपर्स बनना शुरू करते हैं क्योंकि वोलेटाइल है तो इसमें वेपराइजेशन होगी। तो जैसे ही इसके वेपर्स ऊपर की तरफ को जाते हैं तो एक लेयर को फॉर्म कर देते हैं, किसके ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर, वो जो प्योर सॉल्वेंट है उसके ऊपर एक लेयर को फॉर्म कर देंगे इस तरह से। और ये वेपर जो है प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ये क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट। तो इसको आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर बोलोगे, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड जब वेपर जो है प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर रहता है वोलेटाइल सॉल्यूशन में वो ज़्यादा रहता है, और जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल डाल दोगे जो कि वेपराइजेशन ही नहीं करता, तो उसका जाहिर सी बात है उसमें वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जैसा अभी आपने रॉल्स लॉ में देखा। ही पब्लिश्ड हाउ सॉल्यूट्स डिप्रेस्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वेरियस सॉल्वेंट्स। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो वेपर प्रेशर रहता है वो सेम रहता है। जैसे कि लिक्विड की बात करी वैसा ही सॉलिड में भी होता है। तो प्योर सॉल्वेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड, आधा वो लिक्विड में होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर, आधा आधा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया होता है इस पॉइंट पर, उन दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है वो कोएग्जिस्ट करता है, यानी कि सेम रहता है वेपर प्रेशर। तो वहाँ से हम पता लगाते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया आफ्टर एडिंग दी सॉल्यूट इन दिस प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट का पता करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया आफ्टर एडिंग दी सॉल्यूट। वेपर प्रेशर इन दोनों का बराबर रहता है फ्रीजिंग पॉइंट पर, सॉलिड और लिक्विड का। तो ही पब्लिश्ड हाउ सॉल्यूट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वेरियस सॉल्वेंट्स। तो किस तरह से सॉल्यूट डिप्रेस कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट वेरियस सॉल्वेंट्स का, सच एज बेंजीन, वाटर एंड फॉर्मिक एसिड, बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ रिसर्च, अर्नेस्ट ऑटो बैकमैन इन्वेंटेड द बैकमैन थर्मामीटर, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैं हमारे अर्नेस्ट ऑटो बैकमैन, तो बैकमैन थर्मामीटर उन्होंने इन्वेंट करा रॉड्स लॉ के रिसर्च के बाद, एंड द एसोसिएटेड फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस, और उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस एसोसिएट करा, जिसमें कि आप प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी चेक कर सकते थे और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी चेक कर सकते थे आफ्टर जब आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया प्योर सॉल्वेंट में, विच वॉज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मेजरिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज फॉर अ प्योर सॉल्वेंट। उससे आप फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यूज का पता लगा सकते थे प्योर सॉल्वेंट के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है ये सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, ना ही सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, ये सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पता चलता है, ये वो भी बताती है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बताती है। इन विच द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो किस तरह से प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन प्रोपोर्शन टू द कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपने डिजॉल्व करे उस सॉल्वेंट में। द नोन मास ऑफ द एडेड सॉल्यूट, कितना मास आपने सॉल्यूट का ऐड करा है, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए कि कितना मास आपने सॉल्यूट डाला है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने सॉल्यूट के डाले हैं, और इससे आपको इंफॉर्मेशन परमिट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। और अगर आपको ये पता होगा तो इससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये बताया कि यह है इक्वेशन डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम। तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये कब की है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ नॉन आयनिक सॉल्यूशन। जब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन आयनिक होगा तब आप इस इक्वेशन को पुट करोगे। ठीक है, वेयर टी डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या है, इज द चेंज इन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। कौन से वाले टेम्परेचर की बात हो रही है, फ्रीजिंग की, किस तरह का चेंज आया फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल, तो जब आपका मतलब प्योर था और जब आपने उसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। के एफ क्या है, इस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर द प्योर सॉल्वेंट। ये कॉन्स्टेंट है, किसका कॉन्स्टेंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है प्योर सॉल्वेंट का। एंड एम दिया गया है यहाँ पर स्मॉल एम, ये क्या बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल जो है कितने किलोग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व्ड है वो आपको मोलैलिटी बताती है। तो के एफ क्या है आपके पास, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और ये जो के एफ होता है इसकी वैल्यू हर एक जो सॉल्वेंट होता है उसके लिए अलग होती है। प्योर सॉल्वेंट का है ये, जो भी आप वहाँ पर प्योर सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उन सब का जो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होता है वो वैल्यूज़ दी गई होती है आपके पास। ठीक है, सबकी अलग अलग रहती है। और अगर आपके पास आयनिक सॉल्यूशन है, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन तो तब थी जब आपका जो सॉल्यूशन है वो नॉन आयनिक है, और ये आयनिक के लिए आप किस तरह से डिफाइन करोगे, द डिसेशन पार्टिकल्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर विद द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर फॉर्मूला यूनिट आई द वेंट ऑफ फैक्टर। तो डिसोसिएशन पार्टिकल्स, आपको डिसोसिएशन पार्टिकल्स का भी पता होना चाहिए विद द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, डिसोसिएशन कितनी हुई वहां पर, आई वो क्या है आपका, वेंट ऑफ फैक्टर है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप डिफाइन कर दोगे ऊपर वाले इक्वेशन को, सिर्फ आई लगा दोगे यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर लगा दोगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी कि अगर आपका सॉल्यूशन जो है आयनिक होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट भी करेंगे, एसोशिएट भी करेंगे, वाटर के साथ एसोशिएट करेंगे, आपस से डिसोशिएट होंगे, तभी जा करके वो वाटर में डिसॉल्व होंगे, तभी वहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। और जब फ्रीजिंग हो जाएंगी तब वहाँ पर किसी भी तरह के डिसोशिएशन नहीं होगी, एसोशिएशन नहीं होगी। तो इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आयनिक सॉल्यूशन के लिए भी क्या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यहाँ पर अब आ गया हमारा क्रायोस्कोपिक एपरेटस, जो कि बैकमैन ने दिया था, जिसको आप बोलते हो बैकमैन एपरेटस। तो बैकमैन एपरेटस, दी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, इसमें टेस्ट ट्यूब रहती है कंटेनिंग दी सॉल्यूट। तो उसमें क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है डिसॉल्वेंट इन अ प्योर सॉल्वेंट। तो वो क्या रहता है, वो प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहता है। तो स्टीर बार और मैग्नेटिक वायर, स्टीर बार ले लो आप या फिर मैग्नेटिक वायर ले लो स्टीर करने के लिए उनको, सॉल्यूट को स्टीर करने के लिए ताकि वो प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सके। एंड क्लोज्ड विद अ रबर स्टॉपर एंड केजिंग अ थर्मामीटर। तो उसको आप क्लोज कर देते हो विद अ रबर स्टॉपर, और उस रबर स्टॉपर में होल होना चाहिए एनकेजिंग अ थर्मामीटर, जिसमें कि आप एनकेज कर सकते हो यानी कि थर्मामीटर को डाल सकते हो, जो कि बैकमैन थर्मामीटर है। ठीक है, द टेस्ट ट्यूब कंपोनेंट इज इमर्स्ड इन अ आइस वाटर बाथ इन अ बिकर। और इस टेस्ट ट्यूब कंपोनेंट को आप इमर्स कर देते हो आइस वाटर बाथ बिकर में। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आपका कुछ ये रहता है बैकमैन्स एपरेटस। तो ये है आपका इस तरह से आइस वाटर बाथ, जिसमें आपने ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको डिजोल्व करा हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, बैकमैन थर्मामीटर है, ये है थर्मामीटर, और ये इसमें आपने डाला है स्टीरर, कॉर्क टिप्ड स्टीरर, कॉर्क टिप्ड स्टीरर है, जिससे ये क्या होता रहेगा, स्टीर होता रहेगा।
और आपका जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेगा, मतलब कि एक तरह से ये इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन रखेगा, और जब आप उसको सॉल्यूट इसमें डाल देते हो तो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में भी मदद करता है। लेकिन जब आप प्योर सॉल्वेंट का देख रहे होंगे फ्रीजिंग पॉइंट, तब की मैं बात कर रही हूँ कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवाएगा ताकि इक्वली जो है फ्रीजिंग हो सके। ये क्या है, आपके पास एयर जैकेट है और ये आउटर ट्यूब है, यहाँ पर ये क्या है फ्रीजिंग ट्यूब, ये वाली ट्यूब को हम फ्रीज कर रहे हैं, और ये क्या है फ्रीजिंग मिक्सचर, और ये क्या है मैग्नेटिक स्टीरर, मैग्नेटिक स्टीर प्लेट, ये है मैग्नेटिक स्टीर प्लेट। ये इससे हम क्या करेंगे, जो आपने अंदर स्टीरर डाला होगा इसकी मदद से वो क्या करेगा, मैग्नेटिक अगर आपने स्टीरर लिया होगा तो इसकी मदद से क्या करेगा, स्टीर करेगा, ठीक है। तो इसको बोला आपने बैकमैन एपरेटस। तो इसमें अब सैंपल एंड सॉल्वेंट सिलेक्शन होती है सबसे पहले कि किस तरह का आप सॉल्वेंट लोगे। द क्रायोस्कोपिक मेथड में बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सैंपल्स विद वेरियस डिग्रीज ऑफ पोलैरिटी। वाइड रेंज ऑफ सैंपल्स के लिए यूज हो सकता है ये, और उनकी पोलैरिटी भी अलग अलग होगी सॉल्वेंट की, ठीक है। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सिलेक्शन शुड फॉलो द प्रीमाइज ऑफ लाइक डिजॉल्व्ड लाइक। तो अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सिलेक्शन इस बेस पर होती है, आपने पहले भी पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इस तरह से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट की सिलेक्शन करेंगे, ऐसा ना हो कि हमने ऐसा कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जिसमें कि वो सॉल्यूट डिजॉल्व ही ना हो। पहले ही सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स बाइंड हैं। और अगर आपने सॉल्वेंट को भी ऐसा ले लिया जो कि क्या रहेगा, अनलाइक रहेगा, अनलविंग ले लिया, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो फ्रीज ही नहीं हो पाएगा, वहाँ पर सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसलिए आपको ये फिनोमेना याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्ड लाइक, और इन टर्म्स ऑफ, या फिर आप किस टर्म्स में ले सकते हो, रॉल्ट्स प्रिंसिपल ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप रॉल्ट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ले सकते हो कि किस तरह से एक मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूट का किस में डिजॉल्व होता है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए, इसीलिए सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दी सॉल्यूट। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट सच एज बेंजीन आर जनरली सिलेक्टेड बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव, वोलेटाइल एंड मिसिबल विद मैनी कंपाउंड्स। तो ये क्या रहता है, सबसे कॉमन हम बेंजीन को ही लेते हैं क्योंकि ये क्या है अनरिएक्टिव रहता है, वोलेटाइल होता है जैसा कि हमें चाहिए, और मिसिबल विद मैनी कंपाउंड्स, मिसिबल भी रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर सॉल्यूशन भी आसानी से बन सकता है। जब हम मैग्नेटिक स्टीरर से सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाएंगे तो वो आसानी से मिसिबल हो जाएगा उस सॉल्वेंट में, तो इसलिए मैक्सिमम हम बेंजीन को लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि जो आपके पास KF है, फ्रीजिंग प्रेशर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है हर एक सॉल्वेंट के लिए। तो बेंजीन के लिए कितनी होगी, तो कुछ मैंने आपको यहाँ पर कॉमन सॉल्वेंट्स बताए हैं उनकी हम वैल्यू देख लेते हैं। एसिटिक एसिड की हम देख लेते हैं 3.90, बेंजीन 5.12, क्लोरोफॉर्म 4.68, इथेनॉल 1.99, वाटर की कितनी रहती है 1.86, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या है ये, डिप्रेशन, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब हम क्रायोस्कोपिक मेथड की बात करते हैं कि किस तरह से हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। हमने एपरेटस के बारे में जान लिया, सैंपल एंड सॉल्वेंट सिलेक्शन भी देख ली। तो वेट करेंगे हम 15-20 ग्राम ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट ले लेंगे हम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड रिकॉर्ड द मेजर्ड वेट वैल्यू ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो पहले तो हम ले लेंगे इतना, फिर उसको जो है उसका वेट मेजर करेंगे एंड रिकॉर्ड द मेजर वेट वैल्यू ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्लेस अ स्टीर बार और वायर स्टीरर इन द टेस्ट ट्यूब एंड क्लोज विथ अ रबर स्टॉपर दैट हैज अ होल टू एनकेस अ बैकमैन थर्मामीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें क्या रहना चाहिए, एक होल रहना चाहिए, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में एक स्टीरर डाल देंगे, स्टीर बार हो सकती है या वायर स्टीरर हो सकता है, और उस टेस्ट ट्यूब को हम क्लोज कर देंगे रबर स्टॉपर के साथ,
और उसमें एक होल होना चाहिए जिससे कि आप बेकमैन थर्मामीटर को उसके अंदर डाल सके ताकि आपको प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पता चल सके। प्लेस अ थर्मामीटर इन द रबर स्टॉपर होल, ठीक है आपने कर दिया। इमर्स द टेस्ट ट्यूब अपरेटस इन एन आइस वाटर बाथ, ठीक है अब आपने उसको वाटर बाथ में डाल दिया, इमर्स कर दिया। अलाउ द सॉल्वेंट टू स्टिर कंटिन्यूसली एंड इक्विलिब्रेट टू अ फ्यू डिग्रीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉल्वेंट को स्टिर करते रहोगे कंटिन्यूसली एंड इक्विलिब्रेट्स टू अ फ्यू डिग्रीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और उसको इक्विलिब्रेट कर दोगे, मतलब कि कंटिन्यूसली जब आप स्टिर करते रहोगे तो वो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वॉलेटाइल हैं तो उनमें प्रॉपर जो है फ्रीजिंग होगी, नहीं तो अगर स्टीरर नहीं होगा तो कुछ नीचे वाले मॉलिक्यूल जल्दी क्या हो सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं। तो उससे आपको एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा डिग्रीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है फ्यू डिग्रीज, तो मतलब जब तक वो फ्रीज नहीं हुआ है उससे थोड़ा नीचे तक आप उसको काफ़ी अच्छे से इक्विलिब्रेट कर दोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फिर आपके पास आ जाएगा। रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट विच द सॉल्वेंट रिचेज द फ्रीजिंग पॉइंट, अब उस टेम्परेचर को आपको रिकॉर्ड करना है कि कितने टेम्परेचर में आपका जो सॉल्वेंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है। रिपीट द फ्रीजिंग पॉइंट डाटा कलेक्शन फॉर एट लीस्ट टू और मोर मेजरमेंट्स विदाउट अ डिफरेंस लेस देन 0.5 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द मेजरमेंट्स। तो इस तरह से आप एक दो बार फिर से परफॉर्म कर लोगे इस चीज़ को, जब आपने दो तीन बार इस चीज़ को देख लिया कि हाँ आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, इतना ही आ रहा है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ रहा है लेस देन 0.5 डिग्री सेल्सियस का, तब आप उसमें क्या करोगे, फिर वेट करोगे, फिर आप किसकी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्ड द मेजर वैल्यू, ठीक है उसके बाद आप फिर सॉल्यूट की क्वांटिटी को मेज़र कर लोगे कि हाँ इतना आपने सॉल्यूट लिया है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने सॉल्यूट के लिए हैं, और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता लग गया और सॉल्यूट का आपने मास पता कर लिया, फिर आप क्या करोगे, एड द वेट सॉल्यूट टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द प्योर सॉल्वेंट। अब उस वेट सॉल्यूट को अब आपने उसका पता कर लिया है कि आपका इतना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो उसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे जिसने प्योर सॉल्वेंट को कंटेन करके रखा है, फिर उसको दोबारा से रीक्लोज कर दोगे द टेस्ट ट्यूब विद अ रबर स्टॉपर एनकेजिंग अ मर्करी थर्मामीटर, जिसने कि मर्करी थर्मामीटर को एनकेज किया है। यहाँ पर बेकमैन थर्मामीटर भी हो सकता है और मर्करी थर्मामीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। री इमर्स द टेस्ट ट्यूब इन एन आइस वाटर बाथ एंड अलाउ द मिक्सचर टू स्टिर टू फुली डिजॉल्व द सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। अब आप इसको क्या करोगे, री इमर्स कर दोगे इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें कि आपने अब क्या डाल दिया है, सॉल्यूट डाल दिया है प्योर सॉल्वेंट में, इसको आइस वाटर बाथ में, ठीक है। यहाँ पर जब आपने इस प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला तब आपका जो प्योर सॉल्वेंट था इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए थे, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए थे, ये फ्रीज्ड नहीं था इस वक्त, क्योंकि इसका तो आपको पता है कि ये फ्रीज कब होगा। अब आपने इसमें सॉल्यूट को डाला, अब आप इन दोनों का देखोगे कि सॉल्यूट डालने के बाद इसमें कितना डिप्रेशन आया इसके फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसको रीक्लोज किया और इसको आइस वाटर बाथ में डाल दिया। अलाउ द मिक्सचर टू स्टे टू फुली डिजॉल्व द सॉल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, मिक्सचर को स्टिर करोगे ताकि सॉल्यूट जो है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए प्योर सॉल्वेंट में, तब आपको एक्यूरेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पता चलेगा। मेजर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर वैल्यू। यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करोगे और रिकॉर्ड कर दोगे टेम्परेचर वैल्यू को, ठीक है, कि कितना डिफरेंस आया प्योर सॉल्वेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द प्योर सॉल्वेंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T1 क्या है आपके पास, ये आपको बताता है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है आपके पास प्योर सॉल्वेंट का, और यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका, जब आपने सॉल्यूट को उस प्योर सॉल्वेंट में डाल दिया तब, इन दोनों को माइनस करके इज इक्वल टू यही क्या है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज द चेंज इन द इनिशियल एंड फाइनल
फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है आपके पास, यही आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है। और जब आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है तब आप किस तरह से निकालोगे, एम यहाँ पर लिख लोगे इज इक्वल टू के एफ बाय डेल्टा टी एफ। तो के एफ का आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक के लिए ये जो कांस्टेंट है डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट जो है आपके पास, इसकी वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए दी होती है। तो इसका तो आप वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर। और ये हमने पता किया, इसके लिए हमने ये क्रायोस्कोपिक मेथड से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डेल्टा टी एफ के लिए। तो ये हमें पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमने किया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमने किया था, मल्टीप्लाई बाय 1000। इनमें आप वैल्यूज को पुट करोगे और आपके पास मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्रायोस्कोपिक मेथड से आप किस तरह से डिटर्मिनेशन करते हो मॉलिकुलर वेट की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।